सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा ग्रुप की चार से सहकारी समितियों के करोड़ों जमाकर्ताओं की गड़ी कमाई लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले चरण में तहत उन्होंने 112 छोटे निवेशकों को 10,000 रुपये की पहली किस्त जमा की थी। अब तक 18 लाख जमाकर्ताओं ने CRCS सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। इस पोर्टल की शुरुआत 18 जुलाई को हो गई थी। बता दें कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के समय कहा गया था कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के 45 दिनों में वैध जमाकर्ताओं का धनराशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति और भारत सरकार की एजेंसियों ने मिलकर रिफंड समय के अति प्रशंसनीय काम करते हुए एक महीने से भी कम समय में धनराशि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी, जिसके चलते 112 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हो रही हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के हर गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्ति के अधिकारियों की रक्षा व समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति की तकलीफें दूर करने के लिए मोदी सरकार निवेशकों की गाड़े पसीने की कमाई की पाई पाई वापस दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। निवेशकों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए सभी एजेंसियों ने रिफंड समय में प्रशंसनीय काम किया है, जिससे लोगों को उन जमा पूंजी वापस मिल रही है। देश के करोड़ों निवेशकों का सहारा समूह की चार सहमतियों के पिछले करीब 15 साल से फंसे करोड़ों रुपए के भुगतान के लिए प्रयास किया गया। शाह ने कहा कि CRCS सारा रिफंड पोर्टल को अब तक लगभग 33 लाख निवेशकों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। मिलते नए वीडियोस के साथ।